अलैकुम, मैं हूँ टोटो और मेरे साथ मिश्रु ही है। वालेकुम सलाम टोटो, कैसी हो? मैं भी पिंग पिंग नहीं हूँ, आप पिंग पिंग हैं। मैं पिंग पिंग हूँ और मेरे सामने भी पिंग पिंग पड़ा हुआ। मेरी है पिंग पिंग है। कुछ ना कुछ मैचिंग हो गई है। हाँ, है ना, इत्तफाकन। इत्तफाकन। मिश, जो भी बनाएंगी अभी नहीं बताएंगी। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि आपको क्या चीज पसंद आई, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, टोटो की प्यारी प्यारी बातें कैसी लगती हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। इसके अलावा घंटी तो बजाओ। बजाओ घंटी, बजा के जाना। बनाते अब नीचे भी कुछ गिर गया है। अब टोटो का आर्ट वही टैलेंट जो है उसमें कैसे उठाना है वो उठाएगी। अच्छा, आज मैं आपको शूज बनाना बता रही हूँ बच्चों के, न्यू बॉर्न बेबी। लेकिन ऐसा है, अगर बड़ी फॉर्मिंग शीट मिल जाए तो टोटो के साइज का भी बन सकता है। बस वो एक ही दफा में इसके लिए ये वाले शूज पहन के कोई गोद में उठा ले। अपनी बिट्टी को पहना दूंगी, उसको चलने नहीं दूंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये हमें पिंक कलर में शीट चाहिए, ग्रीन कलर की चाहिए, मैं इस शेड में बना रही हूँ, और ग्लिटर शीट चाहिए। आपकी मर्जी है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आपका जूता आपकी मर्जी। आपका जूता आपकी मर्जी। अच्छा देखिए, ये एक स्टेंसिल, हाँ दोनों एक ही जैसे हैं। एक स्टेंसिल मैंने छोटे बच्चे के जूता, किसी का भी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसका शू लीजिए और उसको रखकर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? ये मैंने कार्ड शीट पे कर लिया और इसको, और एक ये इस शेप में आपको कटिंग करनी है, ठीक? ये मैंने इस पे रखकर ये कटिंग कर ली थी, ठीक? और ये भी मैंने कटिंग कर ली है। इसका और है बिल्कुल, हम जब ड्रॉ करते हैं उसके बाद इसको यूं भी हमने करना है, ए शेप में देखिए। ओके। और अगर इस तरह देखे तो यू शेप थोड़ा सा फैला हुआ, या वी की शेप में लेकिन वो राउंड में, ये किया। ये भी वही स्टेंसिल बहुत सारे बना लिए थे कि कोई अगर एक आध टोटो ने गुम कर दिया तो कोई तो मिलेगा। हाँ, जरूरत पड़ सकती है कुछ ना कुछ। अच्छा देखिए, स्टेंसिल्स के साथ ये मैंने ये कर लिया है। उसके बाद देखिए, एक और मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया, ये मैं कटिंग करके बता देती हूँ। ये हम दोनों इसके साथ जोड़, वैसे ये एक भी सही है, अगर हमें थोड़ा सा मजबूत करना हो तो हम इसे नीचे लगा सकते हैं, यानी थोड़ा सा ठीक करने के लिए। आपने देखा है ये वाली शीट और इस शीट में कितना फर्क है, वो थिन है, ये थिक है, ये थिक है। इसकी नोजी रह रही है। ओ, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम इस साइज का भी कर सकते हैं। ये साइज जो मैं बना के लाई हूँ ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है? अब लाइए ये ब्लू, ये है, इसको रखा टेबल पे। मुझे दे। रखी सही है, ये सब मुझे दे। मुझसे मांगिएगा, आपसे मांगू, ये बहुत अच्छा है। अब हम इस पे लगा रहे हैं ग्लू, और ये जो हमने यू शेप में जो कटिंग की थी वो हम बहुत आराम से इस तरह लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जुड़ जाए तब आगे बढ़ें।
माइंड सेट हो रहा है ना ये, क्योंकि ये जरा थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद पकड़ के भी रख सकते हैं, लेकिन होता जाएगा साथ से। हो रहा ना? ये देखिए इस तरह करते करते बीच साथ साथ स्टिक हो रहा। ये देखिए बिल्कुल दिखाती जा रही हूँ इसलिए कि आप, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह करना। अब बड़े साइज में मिल जाए तो पहन लेना। ये देखिए, अरे वाह, ठीक है। अब ये डेकोरेट होगा, कंप्लीट नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है ना कहीं भी जरा से इसे चिपकने में। अच्छा ये देखो बिल्कुल सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर की हमने फॉर्मिक शीट ली है, उसकी हमने जिगजैग एक पट्टी छोटी सी काट ली है। अब हम लगाएंगे यहाँ से। ओके। ये इसका हम आउटलाइन, इसकी जो जोड़ है, जो जॉइंट है, इसमें हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है? नाजुक सा टूटा। नाजुक सा। जिनके छोटे छोटे बहन भाई हैं या कुछ है तो वो उनको बनाकर पहना सकते हैं। कलर अपनी मर्जी से जो भी आप चूज करें। देख रहे, समझ आ रही है ना टोटो? हाँ, और आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से भी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, ठीक है? यहाँ का क्या था, हल्के हाथ से प्रेस करना है, ये नहीं कि जूता ही जो है वो दब जाए। ठीक है, अब हम ये कहाँ लगाएंगे टोटो, बताओगी? ऊपर ऊपर ऊपर। शाबाश, लगाना है हमने। ग्लू लगाई और उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? ताकि और भी आपको एक आइडिया दे दिया है, आप कुछ और भी डिजाइन बना सकते हैं। सही बात है, एक आइडिया मिलना चाहिए। इसमें कोई फ्लावर होगा? बिल्कुल, अभी यूज करेंगे इसको हम लोग, जो है इसकी ये आउटलाइन बन जाए फिर हम इसको भी यूज करेंगे। जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां हम ये लगा देंगे।
देखो टोटो यहाँ भी लग गया, एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भी तारे निकलती हैं। अगर तो ये लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसकी अच्छी है। नहीं तो हमें ग्लू लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखना ये है, तीसरा भी लग जाओ, दो लगाएंगे। अच्छा, मैं काट के दूंगा। अच्छा पहले ये एक सर्कल इस पे हम पहले लगा लें, वो दे दो, फूल दे दो पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, पहले फूल लगा लेते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। उसके बाद हम इसके सर्कल्स काटेंगे, इसके ऊपर तीन भी लगेंगी? नहीं, इसके ऊपर तीन भी लगाएंगे। अच्छा, ग्रीन है, देखो ये ग्रीन भी होगा। हाँ, ग्रीन इधर लगेगा। टोटो ये पकड़ना है, इसको हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर सर्कल, ये देखिए ये सर्कल लग गया है इसका, ये हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ये सर्कल, इसको मैं कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए शूज इतनी आसानी से तैयार हो गया। बस ये है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा छोटा करना होगा मुझे पिंक को, क्योंकि ग्रीन छोटा है तो पिंक उससे छोटा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये दो सर्कल और चाहिए मुझे, पता है कहाँ लगेगा? एक और लगेगा। मेरे ख्याल में हाँ और लगेंगे, दो तीन और लगेंगे, बताऊँ कहाँ लगेंगे? ये देखिए ये यहाँ यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, और अभी हम सर्कल्स लगा रहे हैं। टोटो की आवाज नहीं आ रही, मैं बहुत कौन सी देख रही हूँ। अच्छा ये देखो, है ना, और कटिंग है ना इसकी। पहले हम उधर भी लगा देते हैं। पिंक लगाया, इसी तरह देखें यहाँ पिंक सर्कल लगाए और यहाँ भी पिंक लगाए और बैक पे भी। अब ये हमारा एक शूट तैयार है, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये एक ही पहनना है। क्या बिल्कुल नहीं, ये इधर ही लगेगा। चलो लग गया, मैं को करीब से दिखा दो। बिल्कुल करीब से दिखा दो, लेकिन ये सब समझ रहे होंगे एक बना है।
नहीं दूसरा ये रहा। दूसरा ये है। अब दोनों शूज को पीछे रख के देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखिए एक क्योंकि आपको यहाँ बना कर दिखाना था और एक मैं बना कर लाई थी ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप जो भी बनाना चाहें जैसा और डिजाइन जबरदस्त। टोटो का तो मजा आ गया। 1 2 3 4 I get cherry cake. वैसे 1 2 3 पर एक चांटा फ्री। अच्छा भाई हम जाएं? बिल्कुल जूते पहनो और चलते हैं। चलो हमें नहीं जाएं फिर मिलेंगे।